स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 23 जनवरी 2018 के करंट अफेयर्स। यदि हमारा करंट अफेयर्स पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित क्वेश्चंस करने के लिए हमारे ऑनलाइन तैयारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। हमारा पहला करंट अफेयर्स है 48th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिंस इन दावोस। 48वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दावोस में शुरू हो गया है। तो ये कब शुरू हुआ है? ये 23 जनवरी 2018 को शुरू हुआ है। तो इस 48वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का विषय जो है वो क्या है? क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात क्या है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 48वें की जो ओपनिंग प्लेनरी एड्रेस है, यह हमारे प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया। और ये मतलब कि 20 सालों में, मतलब पिछले 20 सालों में ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अटेंड किया है। हालांकि होता यह है कि हमेशा जो है किसी देश का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट को अटेंड करता है। सो नरेंद्र मोदी जी से पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट अटेंड किया था वो थे हमारे एचडी देवेगौड़ा। कब उन्होंने किया था? 1997 में। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो कि कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। और ये जो है इसकी स्थापना क्लॉस श्वाब ने की थी। ये एक अर्थशास्त्री है। कौन से वर्ष में? सन 1971 में। हमारा दूसरा करंट अफेयर्स है इंडिया टू ग्रो एट 7.4% इन 2018 IMF। सो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि जो भारत जो है 2018 में शायद 7.4% की दर से ग्रो करेगा। सो ये मतलब कि जितने भी अभी जो अनुमान आ रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी अभी कहा था कि 7.5 से ग्रो करेगा 2018 में। अभी हमने कल ही देखा एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उसने कहा कि 7.5 से ग्रो करेगा। तो उसी लाइन में IMF ने भी कहा है कि भारत जो है 7.4% के हिसाब से 2018 में ग्रो करेगा। तो कितना? 7.4% 2018 में करेगा। तो जो कि चाइना की 6.8% की जो विकास दर है उससे कहीं ज़्यादा है। और इसी के साथ क्या होगा कि भारत जो होगा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हो जाएगा अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज। सो जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, सो इनमें जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री 2018 में होगा। तो अगर आइए 2017 में देखते हैं भारत की विकास दर क्या रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर थी 6.7% हो गई। और 2019 में ये अनुमानित किया जा रहा है कि भारत की जो विकास दर है वो कितनी रहेगी? 7.8%। हमारा तीसरा करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम बिगिंस इन थिरुवनंतपुरम। तो अभी जो है आज मतलब 23 जनवरी 2018 है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब बांधों पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है थिरुवनंतपुरम में हो चुकी है। थिरुवनंतपुरम क्या है? ये केरला की कैपिटल है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 2 दिन तक चलेगा यानी आज और कल तक। सो इसका जो इनॉग्रेशन है ये किसने किया? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन ने किया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये सम्मेलन क्या करेगा? इट विल डिस्कस वेरियस सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज ऑफ लार्ज डैम्स, यानी बड़े बांधों से संबंधित जो भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस सम्मेलन के दौरान डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इस सम्मेलन के दौरान जो है एक मतलब कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है धर्मा। सो ये धर्मा क्या है? ये डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। सो धर्मा क्या है? डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, इसे इस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ये धर्मा जो है ये बेसिकली क्या है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि मतलब कि जो कि जो भी ऑथेंटिक एसेट और हेल्थ इंफॉर्मेशन है किससे? लार्ज डैम से संबंधित, यानी जो भी बड़े बांधों से संबंधित जो मतलब कि ऑथेंटिक एसेट और जो उसके मतलब कि उससे रिलेटेड जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है धर्मा? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। किसके लिए? कि बांधों के मतलब कि बांधों की जो स्थिति है और जो एसेट है उससे संबंधित जानकारी देने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सो इस सम्मेलन में एज मेनी एज 550 डेलीगेट 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे। सो जैसे कि US हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। सो इन जैसे देशों से कम 550 डेलीगेट इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और चौथा करंट अफेयर्स है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसिलिटेट्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विनर्स। सो दिल्ली के जो मतलब उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर
अनिल बैजल, ठीक है, इन्होंने नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2017 के विनर्स को सम्मानित किया, ठीक है। सो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 2017 ये लगभग 18 बच्चों पे ये कन्फर किया गया, जिसमें से 7 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं, और एक जो है मतलब कि मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। तो इनको कब ये फेलिसिटेट किया गया, ये जनवरी 22, 2018 को दिल्ली के राजभवन में ये फेलिसिटेट किया गया। तो आइए देखते हैं जो प्रमुखता अवार्ड है किन किन इनको नवाजा गया। सो भारत अवार्ड जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ब्रेवरी अवार्ड में, जो कि 1988 में आया था, ये उत्तर प्रदेश की नाजिया को दिया गया। गीता चोपड़ा अवार्ड जो कि मतलब कि लड़कियों के लिए, लड़कियों में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ये किसे दिया गया, लेट नेत्रवती एम चौहान ऑफ कर्नाटका, यानी कर्नाटका की नेत्रवती एम चौहान को ये मरणोपरांत दिया गया गीता चोपड़ा अवार्ड। अब जो लड़कों के लिए जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है संजय चोपड़ा अवार्ड, ये मास्टर करणबीर सिंह ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के मास्टर करणबीर सिंह है, उनको ये दिया गया। इसके अलावा जो है ये गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड, ये जो है सन 1978 में इनकी स्थापना की गई थी। अब जो बापू गैधानी अवार्ड है, ये जो कि 1988 में जिसकी स्थापना की गई, ठीक है। सो ये जो है 3 लोगों को दिया गया, कौन कौन है, मास्टर बेथ्स वाजोन पेलांग मेघालय के, ममता दलाई दलाई उड़ीसा की, और मास्टर सेबेस्टियन विंसेंट केरला के। सो ये जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है, ये मतलब कि 1957 में मतलब कि भारत सरकार ने, ये जवाहरलाल नेहरू की एक पहल थी, और सबसे पहला जो अवार्ड था ये हरिश्चंद्र को दिया गया था 1957 में, और ये भारत सरकार ने इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि ICCW, उसके साथ मिलके जो है इस उसके साथ मिलके भारत सरकार इस अवार्ड को हर साल देती है। हमारा 5वां करंट अफेयर्स है सिद्धार्थ प्रताप सिंह विंस स्वीडिश ओपन जूनियर बैडमिंटन टाइटल। तो स्वीडिश ओपन जूनियर बैडमिंटन टाइटल ये किन्होंने जीता है, ये सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने जीता है। सो इस यंग इंडियन शटलर ने किसको बीट किया, डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफर्सन को डेब्यू किया। कहाँ पे फाइनल खेला गया था, उपासला स्वीडन में फाइनल खेला गया, उस दौरान डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफर्सन को सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने डिफीट किया। और ये कितने से डिफीट किया, ये स्ट्रेट सेट में इन्होंने विक्ट्री ली 21-15, 21-11, और ये जो मैच चला लगभग 33 मिनट तक ये मैच चला। और जो सिद्धार्थ प्रताप सिंह है ये रायपुर के रहने वाले हैं, और ये इनका मेडन इंटरनेशनल टाइटल है। हमारा 6ठा करंट अफेयर है सेंटर उत्तराखंड एंड वर्ल्ड बैंक साइन $120 मिलियन लोन अग्रीमेंट। सो केंद्र उत्तराखंड और वर्ल्ड बैंक ने $120 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है, और ये क्यों किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब कि बेहतर वाटर सप्लाई सर्विसेज मुहैया कराई जा सके, और कहाँ पे, पेरी अर्बन एरियाज में उत्तराखंड के, ठीक है। सो इससे क्या होगा, लगभग 7 लाख पीपल जो कि पेरी अर्बन एरिया में रहते हैं ये बेनिफिट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। और हम अगर देखते हैं तो 2001 से लेकर 2011 के सेंसस के बीच में जो जो राज्य की यानी उत्तराखंड राज्य की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लगभग 42% ग्रो की, जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है, और हम देखेंगे नेशनल एवरेज कितना है, 32% है। सो इसी दृष्टि से जो बेहतर जो पानी जो सप्लाई मतलब बेहतर जो है पानी का सप्लाई सर्विसेज है उसको मुहैया कराने के लिए ये जो एग्रीमेंट है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमारा 7वां करंट अफेयर है NIIF पार्टनर्ड विद DP वर्ल्ड टू मेक इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो NIIF क्या है, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, जो कि भारत का पहला सोवन वेल्थ फंड है, और ये 2015 में इसको मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी। तो इसने जो है UAE के DP वर्ल्ड के साथ मिलके, यानी कि दुबई बेस्ड है ये DP वर्ल्ड के साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तो ये किस में इन्वेस्ट करेगा, ये पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, टर्मिनल्स में करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में करेगा, और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में करेगा, कहाँ, भारत में। और ये अब तक का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है NIIF द्वारा, जो कि 2015 में बनाया गया था, और जिसके जो CEO हैं ये सुजय बोस हैं। और ये जो मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली मतलब कि मई 2017 में ये एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था DP वर्ल्ड और NIIF के बीच में, कब, जब आबू धाबी के क्राउन प्रिंस यानी कौन है वो, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो भारत दौरे पे आए थे, उस दौरान ये जो MOU साइन किया गया था, और उसी के तहत ये जो है NIIF जो है ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है, या कहें कि NIIF DP वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हमारा 8वां करंट अफेयर है
शाहरुख खान ऑनर्ड विद WEF's 24th क्रिस्टल अवार्ड। तो शाहरुख खान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 24वां क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनको कब सम्मानित किया गया, 48वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डाविस में हो रहा है उस दौरान किया गया। और इनके अलावा किन किन को किया गया, केट ब्लैंशेट और एल्टन जॉन को भी सम्मानित किया गया। अब इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है, ये इनके मतलब कि वुमेन और चाइल्ड राइट्स के कार्य के लिए दिया गया है, जो इन्होंने मतलब कि वुमेन और चाइल्ड राइट्स के लिए जो काम किया है उसके लिए उन्हें ये इस सम्मान से नवाजा गया है। और अगर देखा जाए तो मतलब कि वुमेन और चाइल्ड राइट्स के लिए जो शाहरुख खान जिस फाउंडेशन के तहत मतलब कि जो मदद करते हैं उस फाउंडेशन का नाम है मीर फाउंडेशन, जो कि इनके पिता के नाम पर रखा गया है। और शाहरुख खान से पहले जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको इन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो कौन कौन है, अमिताभ बच्चन है, एआर रहमान है, शबाना आजमी है, रविशंकर है और अमजद अली खान है। नवा करंट अफेयर्स है जॉर्ज वी स्वॉन इन एज लिबेरियन प्रेसिडेंट। सो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट जो है किन्हें स्वॉन मतलब कि किन्हें शपथ दिलाई गई, सो जॉर्ज वी को। सो जॉर्ज वी कौन है, ये एक फॉर्मर फुटबॉल स्टार है, ठीक है। और इनको ये शपथ 22 जनवरी 2018 को दिलाई गई। और इसके साथ ही क्या है कि ये पहला ऐसा इंस्टेंस है जब मतलब कि जो ट्रांजिशन हुआ ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स के बीच में हुआ है, यानी कि लिबेरिया के इतिहास में ये पहला ऐसा ट्रांजिशन है कि प्रजातंत्र की सरकार से प्रजातंत्र की सरकार में ही ये ट्रांजिशन हुआ है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, वी ने, वी जो 51 साल के, इन्होंने नोबेल लॉरियट एलन जॉनसन सरलीफ की जगह ली है। सो इससे पहले जो वहाँ की राष्ट्रपति थी कौन थी, एलन जॉनसन सरलीफ, जो कि एक नोबेल लॉरियट है और इनको एनवायरमेंट के में काम के चलते जो है इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। सो वी कौन है, सो वी जो है इकलौते ऐसे अफ्रीकन फुटबॉलर हैं जिनको वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बाय फीफा और कोवेटेड बैलन डी और प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये 1990 की दशक में टॉप यूरोपियन क्लब्स के साथ खेलते थे। 10वां अंतिम करंट अफेयर है वेस्ट इंडीज टू होस्ट 2018 वुमेन्स वर्ल्ड 20। सो 2018वां जो है वुमेन वर्ल्ड T20 कप कहाँ होगा, ये वेस्ट इंडीज में होगा। और ये कहाँ होस्ट किया जाएगा, एंटीगुआ एंड बारबुडा गुयाना एंड सेंट लुसिया में नवंबर 9 से 24 2018 के बीच जो है ये वर्ल्ड T20 कप खेला जाएगा। सो प्रिलिमिनरी राउंड की जो मैच है यानी क्वालिफाइंग मैच, ये गुयाना नेशनल स्टेडियम और डैरन सेमी स्टेडियम जो कि सेंट लुसिया में वहाँ खेले जाएंगे। और जो सेमीफाइनल मैच है वो खेला जाएगा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम जो कि एंटीगुआ एंड बारबुडा में है। और जो मतलब कि फाइनल है वो भी विवियन रिचर्ड स्टेडियम में ही खेला जाएगा। सो इस T20 वुमेन वर्ल्ड कप में कौन कौन से कंट्री पार्ट ले रहे हैं, सो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है और श्रीलंका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा, और हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।